प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। अभी की सबसे बड़ी खबर बिहार के सहरसा जिले से आ रही है। एक लड़की के अपहरण को लेकर उनके परिजन स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पतरघट ओपी का घेराव कर दिया है। आक्रोशित परिजन आगजनी और सड़क जाम कर उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि थाना प्रभारी इसमें अपनी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, यही कारण है कि अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। जबकि थाना प्रभारी को यह सब कुछ पता है कि आरोपी कौन है और कहां पर है। हम बताते चले कि 29 नवंबर को लड़की अपनी सहेली के साथ शादी समारोह में गई थी। वहां पर पहले से घात लगाए अपराधियों ने लड़की का अपहरण कर लिया। इस अपहरण की घटना को लेकर लड़की के दादा के द्वारा पतरघट ओपी में आवेदन भी दिया गया था, लेकिन घटना के 5 दिन बाद भी पतरघट पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस पर आक्रोशित परिजनों ने आज हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा कर रहे लोगों का कहना है कि पतरघट पुलिस सिर्फ और सिर्फ शराब कारोबारियों से साठ घर करके पैसा वसूलने का काम करती है। उन्होंने एसपी से ऐसे थाना प्रभारी को हटाने की भी मांग की। लगभग 2 घंटों से जाम के कारण यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया है। हंगामे की सूचना मिलने पर ओपी प्रभारी ज्ञानेंद्र घटनास्थल पर पहुंचकर जाम कर रहे आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत कर हटाने का प्रयास कर रहे हैं। इधर परिजनों ने स्पष्ट तौर पर कहा है, अगर 2 दिन के अंदर लड़की सकुशल बरामदगी नहीं होती है तो हम लोग सामूहिक रूप से सड़क जाम करेंगे, जिसकी सारी जवाबदेही पतरघट पुलिस की होगी। इसके बाद पतरघट पुलिस 2 दिनों में उन्हें रिजल्ट देने का आश्वासन दिया है, तब जाकर सड़क जाम कर रहे परिजन वहां से हटे हैं। हम बताएं कि सड़क जाम कर रहे लोगों को करनी सेना का भी समर्थन प्राप्त है। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।